इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लैपेरियन इक्वेशन। बेसिकली जो क्लैपेरियन इक्वेशन होती है वो एक थर्मोडाइनमिक इक्वेशन है, मतलब इसका ये थर्मोडाइनमिक से ड्राइव होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये इक्वेशन आती कहाँ से है, तो ये इक्वेशन थर्मोडाइनमिक से आती है और ये इक्वेशन अप्लाई कहाँ होती है, ये अप्लाई होती है फेज इक्विलिब्रियम पे और आपका आपका सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लैपेरियन इक्वेशन का यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिक सी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लैपेरियन इक्वेशन जो थर्मोडाइनमिक इक्वेशन है उसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, उसे कैसे ड्राइव करते हैं और फेज इक्विलिब्रियम में उसका क्या अप्लीकेशन है। तो पहली बात हो गई है कि क्लैपेरियन इक्वेशन जो है वो इट इज़ ए थर्मोडाइनमिक इक्वेशन, या फिर ऐसे कहिए ड्राइव फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स, और ये अप्लाई होती है फेज इक्विलिब्रियम पे। इसके लिए कंडीशन क्या है, आपका वन कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, वन कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए और उसके पास दो अलग अलग फेज होने चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में गया, कंपोनेंट एक ही है लेकिन फेज क्या है, दो अलग अलग फेज हैं। दो अलग अलग फेज होने की मतलब हो गया है इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन नंबर वन पे मेरी कैल्सियस क्लैपेरियन इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, या फिर H2O लिक्विड से H2O वेपर में जा रहा है, या फिर H2O वेपर से H2O सॉलिड में जा रहा है। कंपोनेंट आपका एक ही है लेकिन फेज क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो बेसिकली हम इसमें क्लैपेरियन इक्वेशन में पढ़ते हैं कि आपका चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन फेज, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पे फेज पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्लैपेरियन इक्वेशन कहते हैं। अब हम आज इस वीडियो में इसका थर्मोडाइनमिक आस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन आती कहाँ से है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक कॉपी और पेन उठाना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वो नोट करते जाना। मान लीजिए कोई फेज ए है, एक फेज दूसरा फेज है, वो दूसरा फेज बी है, एक फेज ए है दूसरा फेज क्या है बी है, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। आप टेम्परेचर और प्रेशर से छिड़कानी नहीं कर सकते, आपने क्या किया, एक मोल ए से आप बी में ले गए, कितना, एक मोल आपने ए का उठाया आपने बी में ट्रांसफर किया, या फिर ये कहिए कि बी का एक मोल आपने ए में ट्रांसफर किया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर में आपने कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, ए और बी दो फेज हैं जो इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। अब टेम्परेचर और प्रेशर में बिना चेंज किए हुए ए से एक मोल को आप बी में ले गए, या फिर ये कहिए कि बी के एक मोल को आप ए के पास लेके आए, तो इस सिचुएशन में डेल्टा जी बराबर आपका जीरो हो जाएगा, फ्री एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका डेल्टा पी भी जीरो है और डेल्टा टी भी आपका क्या है, जीरो है, क्योंकि आपने प्रेशर और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया है, इसीलिए फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगी। मतलब क्या हुआ, ए के एक मोल बी में ट्रांसफर करने के दौरान आपका फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, और ये जो डेल्टा जी होता है वो होता है आपका डेल्टा जी बी माइनस ऑफ डेल्टा जी ए के बराबर होता है। डेल्टा जी बी क्या है, बी स्टेज बी फेज में फ्री एनर्जी है, और जी ए क्या है, ए फेज में फ्री एनर्जी है। अब ये जो डेल्टा जी जो आपका बेसिकली होता है, थर्मोडाइनमिक्स कहता है डेल्टा वी पी, डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी, ये थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, थर्मो की इक्वेशन है, थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन है, ठीक है जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी। अब देखिए, अब आप कहोगे कि भाई इक्विलिब्रियम में है अगर कोई फेज तो डेल्टा जी जीरो कैसे हो गया, क्योंकि डेल्टा पी में कोई चेंज नहीं हुआ है, डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं हुआ है, अगर इन दोनों के जगह पे आप जीरो रखेंगे तो ये ओबीसी वाला जी आएगा। अब ये तो आप समझ गए डेल्टा जी जी जीरो कैसे आया, अब आपको ये निकालना है डेल्टा जी बी और डेल्टा जी ए निकालना है। तो मैं जब डेल्टा जी बी जी बी हो गया है मेरा, ये निकालने जाऊंगा तो वो हो जाएगा डेल्टा वी बी माई डी पी माइनस ऑफ एस बी डी टी, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई है आपका। डेल्टा जी बी इज इक्वल टू वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, और डेल्टा जी ए आपका हो जाएगा आपका वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, ये इक्वेशन नंबर टू है।
ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ से आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं, वो क्या है आपका डेल्टा जी बी माइनस डेल्टा जी ए। अगर आपको चेंज इन फ्री एनर्जी निकालनी होगी तो आप क्या कह सकते हैं, एक स्टेज से आप दूसरी स्टेज पे गए, एक फेज से आप दूसरे फेज में गए, तो पहले वाले फेज में आपकी फ्री एनर्जी कितनी थी, दूसरे वाले फाइनल वाले फेज में आपके पास फ्री एनर्जी कितनी है और इनिशियल में फ्री एनर्जी कितनी है, दोनों का चेंज देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा जी जी बी माइनस, तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं क्या करूँ इक्वेशन नंबर वन माइनस टू करूँ तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा जी बी माइनस डेल्टा जी ए विल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी डेल्टा टी माइनस ऑफ वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कहा, पहले ही कहा आपने ये जीरो के बराबर है, तो जीरो किसके बराबर है, वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी डेल्टा टी माइनस ऑफ वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी के बराबर है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ये जीरो है तो मैं यहाँ से एक ही चीज़ कह सकता हूँ, वी बी डेल्टा पी माइनस एस बी डेल्टा टी वो किसके बराबर हो जाएगा, वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो इज इक्वल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं प्रेशर वाली टर्म्स दोनों इसको और इसको एक साथ करूँ तो वी बी माइनस वी ऑफ डेल्टा ए डेल्टा पी विल इक्वल्स टू आपका, अब टेम्परेचर वाली टर्म्स एस बी माइनस एस ए डेल्टा टी डेल्टा टी। बेसिकली हुआ क्या, वी बी और वी ए मैं मैंने डेल्टा पी को कांस्टेंट ले लिया, एस बी और एस ए मैंने से डेल्टा टी कांस्टेंट ले लिया। अब मैं एक काम करूँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका एस बी माइनस एस ए चेंज इन एंट्रोपी माइनस चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी बाई आपका डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं इसी की जगह पे ये कह सकता हूँ डेल्टा एस बाई डेल्टा वी भी कह सकता हूँ, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन क्या आई, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू अपॉन डेल्टा वी। चेंज प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एंथैल्पी वॉल्यूम के साथ कैसे बदलती है, इसको क्लैपेरियन इक्वेशन कहते हैं और ये मैंने यहाँ पे ड्राइव किया। अब यहाँ पे जो डेल्टा एस होता है वो किसके बराबर होता है, एच एच बाई टी के बराबर होता है, तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई टी डेल्टा वी कह सकता हूँ डेल्टा टी, ये हो गया है। तो ये इक्वेशन जो मेरे पास है इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को कह लीजिए या इस इक्वेशन को इसको हम क्लैपेरियन इक्वेशन कहते हैं। पहली वाली इक्वेशन एंट्रोपी के टर्म्स में है, ये वाली इक्वेशन आपकी एंथैल्पी के टर्म्स में है। ड्राइव कैसे करेंगे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दो फेज हैं ए और बी, दो फेज में है, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, एक मोल आपने ए से बी में ट्रांसफर किया और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान फ्री एनर्जी चेंज कितनी है, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा पी जीरो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपका फ्री एनर्जी चेंज, बी स्टेज में जो फ्री एनर्जी है और ए स्टेज में जो फ्री एनर्जी है दोनों को माइनस कर देंगे। डेल्टा जी बराबर वी डी पी माइनस एच डी टी, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, इक्वेशन है। डेल्टा जी आप निकाल देंगे, डेल्टा ए आप निकाल देंगे इक्वेशन नंबर ए में से, इक्वेशन नंबर दो को माइनस कर देंगे, वो जीरो के बराबर होगा, तो मतलब इन दोनों को आप बराबर रख सकते हैं। वहां से प्रेशर वाली टर्म्स एक साथ, टेम्परेचर वाली टर्म्स एक साथ, प्रेशर के फिर उसको रीअरेंज करके आपके पास क्लैपेरियन इक्वेशन आ जाएगी। अब आपका ये तो था थर्मोडायनेमिक्स वाला हिस्सा, अब है इसका एप्लीकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका इसका एप्लीकेशन वाला हिस्सा, क्लैपेरियन इक्वेशन का एप्लीकेशन वाला हिस्सा। तो ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाला हिस्सा, तो एप्लीकेशन वाले हिस्से में आप क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन वाले हिस्से में आप पढ़ेंगे पहले, पहला एप्लीकेशन है आपका, पहला इक्वेशन है आपका H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रहा है, H2O सॉलिड से लेके इक्विलिब्रियम में है, H2O लिक्विड में इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। बेसिकली ये जो होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे होगा, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ डेल्टा H बाई डेल्टा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा डेल्टा पी बाई
डेल्टा टी वाई डेल्टा टी क्या था मेरे पास, डेल्टा एस वाई डेल्टा वी। अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा करूँ तो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एस हो जाएगा। और डेल्टा एस की जगह पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, टी बाई डेल्टा एच भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा ये जो टी है ये क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, और डेल्टा एच क्या है आपका फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। ये क्या है डेल्टा एच क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और डेल्टा वी क्या है आपका डेल्टा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ टी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेल्टा एच एफ। तो ये हो गया है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, H2O लिक्विड सॉलिड में था, H2O लिक्विड में था, दोनों फेज अलग अलग फेज में है। तो इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर में मतलब क्या है, एक मोल H2O सॉलिड से एक मोल H2O लिक्विड में ले जाने के लिए आपकी ही, जो जितना हीट आपको सप्लाई करे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एफ एच एफ हो गया है। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू टी इंटू, क्योंकि अब देखिए डेल्टा वी की जगह पे क्या रहेगा, दो फेज है सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में होंगे। डेल्टा एच एफ क्या है यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन है। तो ये तो थी आपके पास क्लैपेरियन इक्वेशन। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्सियस क्लैपेरियन इक्वेशन के बारे में।